हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक पोर्टेबल एयर कंप्रेसर की। जैसे कि आप देख सकते हैं, बॉक्स है हमारा और बहुत ही स्मॉल साइज़ का है ये कंप्रेसर। इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अपने डेली यूज़ में, अपने प्रोफेशन में। इसका मल्टीपल यूज़ होता है एयर कंप्रेसर का। जैसे कि आपको पता होगा कि हम जब भी हम अपने गाड़ी में हवा भरवाने जाते हैं तो वहाँ भी एयर कंप्रेसर लगा होता है, या आपने कभी स्प्रे पेंटिंग करवानी हो वहाँ भी एयर कंप्रेसर की जरूरत होती है, न्यूमेटिक टूल्स यूज़ करने तब भी एयर कंप्रेसर का यूज़ होता है। तो इसका मल्टीपल पर्पज़ यूज़ होता है और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ में है। जैसे देख सकते हैं आप, बॉक्स कितना छोटा सा है। तो चलिए इसके हम अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं हमें साथ में क्या क्या सामान मिलता है, और इसे चला के भी देखेंगे इसकी नॉइज़ वगैरह। और हमने स्पेशली इसको पेंटिंग के लिए मंगवाया है, और बाकी सामान हम बाकी भी चीज़ें इसका यूज़ करके देखेंगे क्या क्या इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर हमारे मेंशन किए गए इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह। यहाँ पर देख सकते हैं आप, 250 वॉट 2 HP की मोटर दी गई है इसमें। 2850 इसके RPM है, और 8 bar/116 PSI का प्रेशर इसके अंदर होता है। और इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है 130 liters per minute, और 30 liter का टैंक है इसके अंदर। और इसके अंदर आपको 50 liter का टैंक भी मिल जाता है, मगर 30 liter इज़ इनफ फॉर पर्सनल यूज़ और फॉर स्मॉल वर्क्स। तो जैसे देख सकते हैं ये हेयरस्टेंस ब्रांड का है, इंडस्ट्रियल क्वालिटी लेवल स्टेबल एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस। इसके अंदर आप अगर आपको एलिफेंट ब्रांड का मिलता है, एलिफेंट ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड है, उसका भी आप ले सकते हैं। ऑनलाइन मैंने आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो जैसे देख सकते हैं आप, ये पैकिंग कैसी आई है। तो चलिए इसको हम अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं क्या कैसा सामान मिलता है। और बॉक्स के इस साइड में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरफ भी कुछ इसके मेंशन किया गया है। इसका मॉडल नेम लिखा गया है, और इसका साइज़ वगैरह लिखा गया है, इसका वेट लिखा गया है, और बाकी कुछ नहीं है बॉक्स के अंदर। चलिए हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमें कैसा सामान मिलता है। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं अब। तो फ्रेंड्स, जैसे देख रहे हैं आप, ये हमारी मशीन है और इसको हमने बॉक्स से निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं साथ में हमें क्या क्या एक्सेसरीज़ मिलती है, मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। और हम इसको सारी एक्सेसरीज़ को इसके अंदर लगाएंगे, जिससे कि आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि ये मशीन को हमने कैसे लगाना यूज़ कर स्टार्टिंग करनी है इसकी। और सबसे मेन चीज़ इसके अंदर कुछ सेफ्टी हमने रखनी है, ध्यान रखना है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए इसके हम अब जो एक्सेसरीज़ मिली वो तो आपको दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये हमें मिलते हैं 2 व्हील्स, ये देखिए, जो कि हमारे बैक साइड में लगेंगे। और ये हमें साथ मिलते हैं एयर फिल्टर मिलता है, ये भी हमारा इसमें लगेगा, जिससे कि एयर फिल्टर होके आएगी। ये बहुत ज़रूरी है लगाना, बल्कि इसके ऊपर आप एक मलमल का कपड़ा भी रख सकते हैं, जिससे कि एयर फिल्टर होके अंदर जानी चाहिए इसके। और हमें साथ में मिलता है, ये देखिए, इसके इंस्टॉल करने के लिए इसके पेच वगैरह मिलते हैं, जिससे कि हम इसके व्हील लगाएंगे। आगे की तरफ हमने ये लगाना है, ये है जैसे आगे की तरफ हमने स्पोर्ट के लिए ये देखिए ये लगाएंगे हम आगे। और फ्रेंड्स, हमें एक कैप मिलती है जो कि कंप्रेसर ऑयल के ऊपर की तरफ लगती है, ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये बहुत ज़रूरी है लगानी। और हमें मिलती है यूज़र मैनुअल गाइड, असेंबली की किट, कैसे हमने असेंबल करनी है उसकी गाइड मिलती है पूरी, मगर इसमें कुछ समझ नहीं आएगा आपको कुछ खास। तो चलिए हम इसके अंदर प्रैक्टिकली करते हैं कि किस तरीके से हमने इसको असेंबल करना है और कैसे इसको यूज़ करना है। और जैसे देख सकते हैं आप, मशीन बहुत ही सुंदर लगती है, ग्रे कलर का टैंक दिया गया है और बहुत ही छोटी कॉम्पैक्ट साइज़ में है। तो सबसे पहले इसको मैं इसके अंदर व्हील्स लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमने व्हील लगाना है, और व्हील हमने ये हमें साथ में पेच मिलते हैं, हमने इसकी वॉशर निकाल लेनी है और नट खोल कर इसके अंदर होल के अंदर ऐसे डाल लेना है। और अब हमने इसको उस होल के अंदर आर पार करेंगे, तो पीछे से इसको टाइट कर देंगे।
फ्रेंड्स अब हमने आगे की तरफ रबड़ लगानी है ये, और इस तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि आगे की तरफ हमने रबड़ लगानी है अब आगे स्पोर्ट देने के लिए। तो ये नट बोल्ट और वॉशर साथ में दिए गए हमें, इसको हमने इस तरीके से अंदर डालकर, नीचे तरफ हमारे पास होल होता है उसके अंदर हमने होल के अंदर इसको डाल देंगे बोल्ट को, और ऊपर की तरफ से हमने वॉशर के साथ नट के साथ टाइट कर देंगे इसको अच्छी तरह, जिससे कि आगे की तरफ भी हमें स्पोर्ट मिल जाएगी। जब आपने इसको चलाना होगा तो उठा के चलाना पड़ता है दो व्हील्स के साथ सहारे। तो पहले मैं इसको अब लगा के कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हैं मैंने व्हील्स और आगे की तरफ पैड रबड़ पैड लगा ली है, और इसको आपने अच्छी तरह टाइट कर लेना चाबी के द्वारा। और अभी हम दो ये कैप दी गई हैं, ये कैप हमारी आगे की तरफ लगेगी व्हील के यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से यहाँ लगेगी, जिससे कि ये पेच नहीं दिखेगा, उसकी लुक थोड़ी अच्छी आएगी। तो मैं ये लगा लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे लगानी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये देखिए, ये देखिए ये इस तरीके से हमने फिट कर देनी है इसको, और दूसरी हम दूसरी तरफ फिट कर लेते हैं। अब रेड कलर की कैप लगा दी है, तो देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। और चलिए हम इसकी मेन बात करते हैं कंप्रेसर के फीचर्स के बारे में। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नॉब दी गई है, और यहाँ पर वार्निंग भी लिखी गई है, मैं आप बिफोर यू प्लग इन योर कंप्रेसर यू मस्ट फर्स्ट रिप्लेस द शिपिंग प्लग विद वर्किंग प्लग, फेलर टू डू नॉट मे रिजल्ट इन इंजरी। तो इसका मतलब फ्रेंड्स को हमने इसको पहले हमने इसको खोल कर इसको रिमूव कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए हमने इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे ये देखिए, और साथ में ये वार्निंग इंस्ट्रक्शन का भी पेज पेपर से निकल गया है। और अब हमने यहाँ पर ये देखिए मैं आपको दिखाया था ना, ये हमारी कैप यहाँ पर लगेगी, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर टाइट कर देना है। यहाँ से आपका ऑयल डलता है, और यहाँ से आप अपनी ऑयल लेवल चेक कर सकते हैं, ये देखिए अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर रेड कलर का एक डॉट है, इससे आपका ऊपर ऊपर ऑयल रहना चाहिए, ये देखिए इसको हमें यहाँ पर अच्छी तरह टाइट कर लेना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं हमने मशीन को प्लग इन कर दिया है जैसे आप देख रहे हैं, तो अब इसको हम स्टार्ट करके देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी होस पाइप है ये देखिए, ये हमने मार्केट से परचेज़ की थी, तो ये आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, जो गैस वेल्डिंग में यूज़ होती है ये वही वाली होस पाइप ही होती है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। तो चलिए इसको हम अब लगा के देखते हैं यहाँ पर, और इसको ऑन करके देखेंगे मशीन को। तो सबसे पहले इसको हम इस नोज़ल के ऊपर चढ़ा लेंगे इस तरीके से टाइट, और अगर ये अच्छी तरह टाइट नहीं होता अगर आपका, और यहाँ से एयर लीकेज होती है, तो आप इसके अंदर टेफ्लॉन टेप लगा के चढ़ा लीजिए, जिससे कि लीकेज नहीं होगी। ये आपको मार्केट में 48-50 रुपीज़ पर मीटर मिल जाएगा, तो आप ये मार्केट से परचेज़ कर लीजिए। अगर ऑनलाइन मिलता होगा तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका। और ये हमारी है गन है, स्प्रे गन, जिस जो कि आप स्प्रे के लिए यूज़ कर सकते हैं, पेंटिंग वगैरह पॉलिश वगैरह करनी है अपने घर पे, या कार वॉश भी करनी है आप इससे भी कर सकते हैं, मगर इसके अंदर पानी फिर कम ही आएगा। तो जैसे मैं दिखाता हूँ खोल के आपको, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये ऑनलाइन मिल जाती है इजली, और अगर आप मार्केट से परचेज करना चाहते हैं तो मार्केट से भी कर सकते हैं। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको हेलो तो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी गन है, इसको मैंने अनरैप कर लिया है, ये देखिए ये आपकी पॉलिश और पेंट वगैरह करने के काम आती है, और ये इसके साथ में हमें एक नोज़ल मिलती है जो कि ये नीचे की तरफ लगेगी हमारी यहाँ पर, और इसके अंदर हमारी जो हॉर्स पाइप है वो लग जाएगी। और ये है कंटेनर है इसका, ये प्लास्टिक कंटेनर में है, अगर आप इसमें मेटल के अंदर भी आती है अगर वो परचेस करेंगे तो वो सस्ती होती है, ये थोड़ी अराउंड 1000 के करीब आपको पड़ जाती है। ये इस तरीके से हमने इसको लगा लेनी है, तो आप अभी मैं आपको गन चला के दिखाता हूँ कि कैसे इसके अंदर सेटिंग करनी होती है, ये जो प्रेशर वगैरह सेट करने होते हैं ये बताता हूँ अभी आपको मैं, तो आप वीडियो में बने रहिए एंड तक। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको हम इंस्टॉल करते हैं गन को, ये देखिए फ्रेंड्स ये भी हमने नीचे टाइट कर ली है जो हमें नोज़ल मिली थी, अब इसके अंदर हम हॉर्स पाइप लगा लेंगे। तो अब फ्रेंड्स हम इस हॉर्स पाइप को इस नोज़ल के अंदर लगा लेंगे इस तरीके से, तो देखिए ये हमारी हॉर्स पाइप लग चुकी है। अब आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, पॉलिश का अगर आपने सीलर डालना है या प्यू पॉलिश जो भी करना है, पेंट डालना है पेंट डाल सकते हैं, 600 ml की कैपेसिटी होती है इसकी, और पॉलिश के लिए आप प्लास्टिक कंटेनर वाला ही यूज़ करें क्योंकि मेटल के साथ अच्छा ज़्यादा लाइफ नहीं होती उसकी। और ये भी देखिए नोज़ल जो होती है हमारी ये ब्रास की है, और इसके अंदर दूसरी भी आती है कास्टिंग वाली, वो मत लीजिए वो टूट जाती जल्दी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको यूज़ से दिखाता हूँ आपको, तो फ्रेंड्स अब हम इसको हम ऑन कर लेते हैं,
सबसे पहले हमने इसको प्लग इन कर दिया है, यहाँ पर ऑन कर दिया है, और अब हम इसको देखिए यहाँ पर प्रेशर आप देख सकते हैं जीरो है। अब मैं इसको यहाँ से ऑन करूँगा तो इसके अंदर सिलेंडर के अंदर एयर फिल होनी शुरू हो जाएगी, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। जैसे कि आप देखें साउंड सुन सकते हैं इसकी कैसी है। तो फ्रेंड जैसे देख रहे हैं गन को मैंने प्रॉपरली इंस्टॉल कर लिया है, और जैसे देख रहे हैं हॉर्स पाइप को मैंने बहुत अच्छी तरह टाइट किया हुआ है, प्लग क्लिप भी लगा रखे हैं अच्छी तरह, जिससे क्या होता है जब भी हॉर्स पाइप निकल जाती है, जब भी एयर प्रेशर ज़्यादा होता है इसके अंदर, हम वॉल्व को ऑन करेंगे तो एयर प्रेशर से भाग तरफ खींचता है, तो इसलिए हमें प्रॉपरली टाइट करके इसको इंस्टॉल करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं किस तरीके से मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, और इसको हमने अच्छी तरह बांध लेना है। और तो चलिए इसको हम दिखा देता हूँ आपको हमने किस तरीके से हमने क्लिप लगाया था मशीन के अंदर। तो जैसे देख रहे हैं देखिए मैंने कंप्रेसर के ऊपर भी वो क्लिप लगा रखा है। ये देखिए ये क्लिप आपको बाजार से मिल जाएगा या ऑनलाइन लेना, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, 10 रुपये की चीज़ है, कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है। इसको आप अच्छी तरह हॉर्स पाइप पर लगा के टाइट कर लीजिएगा, जिससे कि आपका पाइप निकलेगा नहीं। तो अब इस गन को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अब चाहे आपने बाइक में हवा भरनी तब भी भर सकते हैं गन की जगह चेंज करके। तो देखिए हमने वॉल को ऑन कर लिया, और चलिए इसको हम अब यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर मैंने सीलर डाला है जो कि पॉलिश के लिए, जो दरवाजे पॉलिश होते हैं उनमें यूज़ होती है, तो आप कुछ भी यूज़ वर्क कर सकते हैं इससे। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसके ऊपर वर्क करती है गन। तो जैसे देख रहे हैं अब हम इसको प्रेस करेंगे तो इसमें से फवारे की तरह एक निकलेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये गन को हमने इस तरीके से पकड़ना है, और जिस पोर्शन पे आपने करना है जैसे देखिए ये हमने प्रेस किया है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो कंप्रेसर के अंदर प्रेशर कम होगा और वो मशीन स्टार्ट हो जाएगी अपने आप, ऑटोमेटिकली ऑटो कट होता है मशीन के अंदर, तो वो अपने आप ऑन हो जाती है जैसे ही अपने लेवल से कम होती है। तो फ्रेंड्स इससे आप फॉर्म वॉशिंग भी कर सकते हैं, कार वॉश जैसे करते हैं तो वो भी आप इसे इजीली कर सकते हैं, और कार में जो अपने बाइक वगैरह में टायर एयर फिल करनी है तो आगे का आप नोजल चेंज करके भी उससे इसको कार एयर फिलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बाइक में एयर फिल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो ईजिली आप वर्क कर सकते हैं इससे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, कोई भी डाउट हो आपको इसके कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।